नेहा दीदी भी आने वाली है और उसी के साथ साथ रुद्र पूजा भैया से यूट्यूबर से मिलने के लिए। अभी तो पता नहीं है कौन कौन आ रहे हैं। सबसे जब से मिलेंगे पहले बार फेस टू फेस होंगे, कम से कम वंदना इन लोग से मिले हैं अमित जी से। तो गाइस फाइनली एक और भी बड़ा गुड न्यूज आ गया है हमारे सभी लोगों के लिए कि हमारे मायके से हमारे मायके नहीं ना रंजना के मायके से सब हम थोड़ा सा और यहाँ पे एक सबसे फेवरेट चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं बैक कैमरा से मायके रंजना के मायके से भी सब लोग चल दिए हैं। कौन कौन आ रहे हैं आप लोगों को आज ही पता चल जाएगा। वो लोग इतना फास्ट है सीधे उड़ के नहीं ट्रेन से ही आ रहे हैं पर जल्दी पहुँचेंगे हम लोग से जल्दी। तो चलिए पीछे का बैकग्राउंड दिखा देते हैं और ये रंजना को काफ़ी पसंद लगता है। तो गाइस हरियाणा में हम लोग जैसे एंट्री करते हैं ना तो ये सब जो है ना एकदम मतलब मज़ा आ जाता है देख के। ये सरसों भी कहाँ कुछ दिख रहा है, सरसों और गन्ना इधर बहुत फेमस होता है। तब बम्बी आज ही के दिन सब लोग आ रहे हैं ऐसा? हाँ कल से तो पार्टी शुरू है तो इसीलिए सारे लोग लगभग आज आ ही जाएंगे। और आप बताइए तब रंजना घर से कौन कौन आ रहा है? मेरे घर से वो तो ब्लॉग में पता चलेगा कौन कौन आ रही कौन तो यहाँ ये सब यहाँ से जाता है सब सामान तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग अभी कहाँ तक काम पहुँच गया बन गया है अभी थोड़ी देर में उतार के दिखा देंगे। चलिए गाइस अब आप लोगों को अभी तक तो हम बोले नहीं है मम्मी आप किससे ज़्यादा एक्साइटेड हैं कौन से यूट्यूबर से मिलने के लिए? अभी तो पता नहीं है कौन कौन आ रहे हैं। सबसे जब से मिलेंगे पहले बार फेस टू फेस होंगे कम से कम वंदना इन लोग से मिले हैं अमित जी से बाकी जो भी यूट्यूबर हैं उन लोग से मिलना है। चलिए और गाइस सुनने में आया है कि नेहा दीदी भी आने वाली है और उसी के साथ साथ रुद्र पूजा भैया जो भी आने वाले हैं लोग बिहार के हमारे हैं और हम लोग आप लोगों को ब्लॉग में पता चल जाएगा कौन कौन आ रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्या आप एक्साइटेड हैं कितना? फर्स्ट टाइम सबसे मिलूंगी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमको तो लग रहा है। जो जो भी वीडियो देख रहा होगा वो अभी तक वीडियो लाइक भी कर दिया होगा। तो मम्मी जैसे अभी इनका तबीयत थोड़ा सही नहीं लग रहा था सर में दर्द था जैसे ठीक हुई है तो काम शुरू हो गया। तो इतना जज्बा आप में कैसे आ जाता है? सोच रहे हैं कि वहाँ जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा भीड़ भाड़ में तो जल्दी से बना के इसको सील दें कि लाडो को पहना देंगे ठंडा काफ़ी है। तो आप लोग बताइए कि ये हो पाएगा कि नहीं? ये सब दादी नानी करती हैं लोग जिसके दादी रहेंगे नानी रहेंगे तो अपने पोता पोती के लिए नाती के लिए नौकरी के लिए करती हैं कि कुछ बना दें सबको बना के पहनाए थे उसी को नहीं बनाए थे तो सोचे कि बना देते हैं। तो अभी ये दो दिन में ये बिल्कुल कंप्लीट किया वो भी कल हाफ टाइम में और आज ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो गाइस अभी भाभी जी का कॉल आया था भाभी का भी तो भाभी से क्या बात हुआ मम्मी? सरसों यहाँ पे इसको सरसों बहुत ज्यादा पसंद है वीडियो बनाना जुरा जुरी। चलिए मम्मी बताइए क्या बात हुआ भाभी से? उसी के वजह ले आ रहा हम लोग उतर रहा हम लोग यही सब बात। और कौन कौन कहाँ पहुँचा है? निशा भी आ रही है दिल्ली उतर गई है वो भी तो बस आ रही है निशा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं लोग मस्त फैक्ट्री लगा हुआ है और इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एक ट्रांसपोर्ट नेस्ले का है जी और जब तक आसपास अगर ट्रेन का पटरी ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है और वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
इस साइड से भी देख सकते हैं, पापा जी रेस्ट ले रहे हैं अभी। क्या ना लो भाई, उसमें का जो भी ये वीडियो है थोड़ा भेज दो तो। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग कि मम्मी अभी सुई लगा रही हैं, सुई में धागा, पहले ये नहीं लगा पाती थी इनका जब आँख थोड़ा खराब था। यहाँ मेमना को देख सकते हैं आप लोग, तो उस समय कैसे आप यूज करती थी, नहीं करती थी, किसी किसी से लगवाते थे, बोल बोल के लगवाते थे कि लगा देगा सब। और ये आँख तो बस इतना समझ लीजिए खराब हुआ है। ये आँख जो है कहाँ पे बताइए ठीक हुआ था? चेन्नई शंकर फाउंडेशन में, आई नेत्रालय हॉस्पिटल शंकर फाउंडेशन में हम लोगों का ये इलाज हुआ और एकदम सक्सेसफुली। आज से कितना साल हो गया? पाँच साल। अब इससे आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि क्या चीज है ये, लेकिन अब इसको हम आप लोग के सामने बना कर रख रहे हैं तो पता चलेगा ये क्या है। चलिए चलते हैं। ये है टोपी, टोपी। तो पहले हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे ये सब मोड़ के सिलेंगे। गाइस हम लोग को ना आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों को उतरना था 5 बजे 6 बजे मानिए मैक्स से मैक्स, अभी बजने वाला है 1 बज रहा है अभी और धूप थोड़ा भी इधर नहीं है, थोड़ा भी धूप नहीं है तो यानी ठंड होगा। और हम लोगों को ना कल रात में गर्मी भी लग रहा था इसमें ना मम्मी, ऐसे उल्टा कर देंगे इसको। मेरे चैनल को बना लो बाबू, चारों चीज खाना था क्या? चाय यहाँ पे गए चिप्स खाना था, पापा जी जल्दी से चिप्स दे दिए उसको बोलने से पहले, पापा जी को पता नहीं कैसे पता चला कि वो खाना है, शायद आदत हो गया। हम लोग पहले कोई सामान जाता था वो देखते थे ध्यान से। आलू आ रहे हैं, हाँ जी गरम गरम है, आलू वाले हैं। 2 मिनट का इसको भाई गाड़ी चलने दो, यहाँ पे हम लोग खाएंगे खाना बहुत दिखाओ भाई। सो गाइस यहाँ पे इस समय का खाना आ गया है, तो खाना है ना वेज बिरयानी छोटू आजा आजा, तू बुला रहे मैं ना तो उसको फोन करके बोल दीजिएगा आपका। क्या नाम है तुम्हारा? ओए क्या नाम है तुम्हारा? हाँ वो तो तक तो आ रहा है। आपको क्या पसंद है? चॉकलेट खाते हैं? सुनिए ना,
अरे अरे आराम से मत मारो। ओए मारना मत। चलिए गाइस अब मैं बता दूं कि अभी आया था ब्रेड पकौड़ा तो मम्मी नहीं खाएंगी। देखो हमको अच्छा नहीं लगता ट्रेन का पकौड़ा समोसा। अब आप लोगों को ये भी बता देते हैं कि हमारी दीदी चंडीगढ़ पहुंच चुकी है और वहां से अम्बाला के रुकमोड़ी की पर काफ़ी रो रही है और वो क्यों रो रही है आप लोग उनके ब्लॉग में जाके देख लीजिएगा। इसलिए रो रही है क्योंकि एक बेटा और हस्बैंड पहली बार बेटा को छोड़ के आई है इसलिए किसी को दुख होगा। हस्बैंड को छोड़ के आती ही थी लेकिन बेटा को पहली बार छोड़ के आ रही है तुम लोग खुशी के लिए। आप भी तो ट्रेन में छोड़ के चल जाती थी हॉस्टल में पढ़ने के लिए छोड़ के जा सकते हैं वो भी पढ़ने के लिए छोड़ के आई है। माँ का दिल जैसा दुनिया में कोई फिर नहीं। तो मम्मी वो सब छोड़िए भैया से बात हुआ अभी आपका हाँ। क्या बात हुआ है? बात हुआ है बोल रहा है कि देखते हैं आ जाएंगे आप लोग कोई आदमी पापा जी तो देखा जाए अब गाड़ी लेके आ जाएगा। आप बता दीजिए पापा जी फाइनली आप क्यों डिसाइड किए हैं कि एकदम आना चाहिए तो आप मेन मकसद क्या होता? मैं देर रात सोचा कि भाई वहाँ हमको जाना जरूरी है नहीं जाएंगे तो तरह तरह के बात लोग करेगा बहुत लोग आएंगे उसमें हमारे घर का तो लोग नहीं बोलेगा लेकिन अगल बगल का लोग बोलने लगेगा कि क्यों नहीं आए सर क्या बात है। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं हम चले ही जाते हैं और मेरे आने से सबको खुशी भी मिलेगी और हमको भी अच्छा लगेगा कि सब लोग के साथ रहेंगे और सारे यूट्यूब फैमिली को भी। अब देखते हैं कि वहाँ कौन लेने आता है समय होगा तो कोई आएगा ही लेने के लिए। चलिए मम्मी तब इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं यहीं पे करते हैं एंड और वहाँ पे कौन कौन है कुछ आइडिया नहीं है हम लोगों को हाँ, बहुत नया चेहरा के साथ सरप्राइज भी मिल सकता है। चलिए गाइस आप लोग भी रेडी हो जाइए गेट मोर एक्साइटेड बाय बाय। और मम्मी का यहाँ पे काम हो चुका है जो कि इनके ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा। लव यू बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बाय बाय।